ये देखो गाइस, बर्नआउट करके मेरा टायर गया पूरा, ये बीच बीच से गया और ये ज़्यादा दिन तो नहीं टिकने वाला है, मुझे चेंज। तो वेल हेलो गाइस, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन, दिस इज नेक्स्ट शॉन और आप देख रहे हैं निक्सन ब्लॉग। गाइस बहुत दिनों के बाद आज मोटो ब्लॉग पे निकला हूँ, संडे है और कल मैं आइजोर से ही आया था, तो आज मैं निकला हूँ और मेरे साथ जाने वाला है हीरोक और दादा। और फिलहाल तो ये है देवदूत पेट्रोल पम्प, यहाँ पर मैंने फ्यूल डलवा लिया मेरा 20 पर, तो अभी यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली हीरोक आने वाला है, तो उसका भी RS 200 है, तो उसका बाइक पे फ्यूल डलवाना है, तो फ्यूल डलवा के एक ही साथ निकल जाएंगे और ऑन द वे हम लोग को दादा मिलने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए गाइस बस टिल द एंड, और एक अनसीन जगह एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, तो बने रहिए गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हीरोक भाई भी आ चुका है, तो उसका बाइक पर अभी फ्यूल डलवा रहा है, फ्यूल डलवा के और फटाफट से निकलते हैं। सेम ही है, सिर्फ कलर डिफरेंस है गाइस, मेरा बीस्ट का और उसका बाइक का। ठीक है, लगानी जाइब तो आए ना, तू उन बैंक देखा जाए ना, तारा नतुन भी जो फाइनली वी हैव स्टार्ट अवर राइड सेफ। दादा बाकी है, तो ऑन द वे हम लोग को दादा मिलने वाला है। तो दूधपतन का जो नया ब्रिज है वहाँ पर दादा एक्चुअली है, हम लोग का वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जा रहे हैं दूधपतन के नया ब्रिज पर, नया ब्रिज हो के हम लोग जाएंगे हम लोग का डेस्टिनेशन पर। चलो पेट्रोल पड़े कितना हुई तो अरे तो गाइस ऑफ रोडिंग शुरू हो चुका है और यहाँ से हम लोगों को मिलना शुरू हुआ है असम का पहचान चाय बागान। आई डोंट नो कि हम लोग राइट जा रहे हैं कि नहीं, केतन भाई का वीडियो देखा था उनका ब्लॉग में, तो यही रोड था, देखते हैं जाके। मुझे तो लग रहा है कि मैं सही जा रहा हूँ भाई,
अरे 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 असली मजा तो इसमें है भाई, ऑफरोडिंग का मजा तो इसमें है। वी आर गोइंग राइड गाइस, फिर से हम लोग को चाय बगान मिल गया। चलो অন্তিকে যে একটা পাহাড় দেখা যায় না নিচে, ওদিকে রোড নি, দশ নম্বর হবে না? হ্যাঁ, মানে টিল্লার থেকে নিচ পাহাড় উহার দেখা যায় না, ওদিকে না লগরি তো হয়ে গেল। কেমন দূর এদিকে? দূরে
गाइस ये था हम लोग का डेस्टिनेशन। और एक्चुअली ये जगह मैं केतन भाई का ब्लॉग पे दिखा था, बहुत पुराना ब्लॉग था उनका, तो वो देख के मैं आज आया हूँ। और एक्चुअली मैं जब आइजोल में था तब ये ब्लॉग देखा था, और कल आइजोल से आकर आज ही प्लान कर दिया कि हाँ आना है। दादा को भी बोल दिया था, इसके बाद दादा ने हीरो को बोला और बाशु को बोला, उसके बाद हम लोग पहुँच गए ये खूबसूरत सा लोकेशन देखने गाइस। और यहाँ पर हम लोग तीनों ने बहुत इंटरेस्टिंग रील्स बनाया है, तो उसे ज़रा आप लोग चेक कीजिएगा। अगर किसी ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जल्दी से गाइस फॉलो कर दीजिए और मज़ेदार रील्स इंजॉय कीजिए, ठीक है। तो गाइस ये लोकेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, और स्पेशली थैंक्स टू केतन पाल कैपी ब्लॉग सिलचर, उनके वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। एक्चुअली उनका ब्लॉग देखा था, बहुत ही पुराना ब्लॉग था लेकिन मस्त था भाई, और केतन भाई का तो ब्लॉग ऐसे ही मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। तो स्पेशली थैंक्स टू केतन भाई, काफ़ी खूबसूरत सा लोकेशन गाइस, काफ़ी खूबसूरत सा लोकेशन। और गाइस उनकी तरह मुझे भी इस जगह का नाम पता नहीं, तो हैशटैग समवेयर ऑन अर्थ, ठीक है। तो गाइस बर्नआउट करते हुए सबका तो ठीक था, मेरा ही नुकसान हो चुका है, पूरा टायर गया मेरा। ये देखो गाइस बर्नआउट करके मेरा टायर गया पूरा, ये बीच बीच से गया, और ये ज़्यादा दिन तो नहीं टिकने वाला है, मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। सो गाइस इट्स टाइम टू लीव दिस खूबसूरत सा प्लेस, और कमेंट करना कि कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।